हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम फिटर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CITS CTI एडमिशन 2020 के बारे में, जिसके फॉर्म जो है दोस्तों आज से यानी कि 15 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। इसका वीडियो मैंने कल ऑलरेडी से बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। हम यहाँ पर बात करेंगे कि CITS और CTI कौन कौन सी ट्रेड से कर सकते हैं, कौन कौन सी ट्रेड वाले स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं, उन सब ट्रेड्स की आज हम बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों ITI ट्रेड्स प्लस डिप्लोमा ट्रेड्स की, ठीक है। जो ब्रांच आपके डिप्लोमा में है, जो ट्रेड आपके ITI में है, उन सब की मैं यहाँ पर बात करूँगा, आपको एक एक ट्रेड बताऊँगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि इसमें जो है पूरी आपकी 36 ट्रेड्स होती हैं, ठीक है। 36 ट्रेड्स होती हैं, या हम कहें कि जो हमारे 36 कोर्सेज यहाँ पर होते हैं, तो उन सब की एक एक मैं आज आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। आप वीडियो पर पूरा बने रही है, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपकी ट्रेड हैं वो हैं आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके पास अगर डिप्लोमा है या डिग्री ITI है, डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 ईयर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, तो या फिर यहाँ पर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि NTC सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास ITI है, डिप्लोमा है या डिग्री है, तो आप आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन में इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग कर सकते हैं CITS के थ्रू। अगली ब्रांच हम देखते हैं, अगली ट्रेड हमारे यहाँ पर है कारपेंटर। अगर आपके पास कारपेंटर हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। अगली है कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी। आपके पास ये ब्रांचेज ITI और या इससे संबंधित आपने कोई कोर्स किया हुआ है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, जैसे कि होटल मैनेजमेंट हुआ आदि सब कुछ, तो आप इसको कर सकते हैं। अगली ट्रेड हमारे यहाँ पर आ जाती है दोस्तों, तो वो है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस। अगली है पाँचवें नंबर पर, वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। छठे नंबर पर आपकी हैं कॉस्मेटोलॉजी। सातवीं हैं आपकी डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर। आठवीं ट्रेड जो है वो है ड्राफ्टमैन सिविल। नौवीं ट्रेड है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। और इसके पास आपकी दसवीं ट्रेड जो आ जाती है वो आ जाती है ड्रेस मेकिंग। ग्यारहवीं है इलेक्ट्रिशियन, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट इलेक्ट्रिशियन फिटर आदि ट्रेड से ही करते हैं। बारहवीं ट्रेड हमारी आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। तेरहवीं आ जाती है फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। चौदहवीं आ जाती है फिटर। पंद्रहवीं है आपके यहाँ पर फाउंड्रीमैन। इन कोर्सेज से आप CITS कर सकते हैं। सोलहवीं है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। सत्रहवीं है मैकेनिक एग्रीकल्चर एंड मशीनरी। अठारहवीं है मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल। उन्नीसवीं है मशीनिस्ट ग्राइंडर। और 20वीं है मैकेनिक डीजल, ये भी काफ़ी अच्छी ब्रांच होती हैं। 21वीं ब्रांच हमारे यहाँ पर ट्रेड आ जाती है मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस। 22वीं आ जाती है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये भी काफ़ी अच्छी ब्रांच है जो कि 22 नंबर पर यहाँ पर लिखी हुई है। 23वीं है मैकेनिक मोटर व्हीकल। अगली ब्रांच या ट्रेड हमारी आ जाती है ऑफिस मैनेजमेंट। इसमें भी डिग्री डिप्लोमा आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का होना चाहिए या आपके पास NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिवेलेंट ट्रेड्स हैं। 25वीं आपकी आ जाती है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी। 26वीं आपकी पास ट्रेड आ जाती है प्लम्बर। और 27वीं आ जाती है रीडिंग ऑफ ड्राइविंग एंड अर्थमेटिक, ठीक है, ये जिसको रोड़ा बोला जाता है। 28वीं ब्रांच आपकी आ जाती है ट्रेड, वो आ जाती है सीविंग टेक्नोलॉजी। 29वीं आ जाती है सीट मेटल वर्कर। 30वीं आ जाती है सरफेस ऑर्नामेंशन टेक्निक्स। और 31वीं आ जाती है टूल एंड डाईमेकर, काफ़ी अच्छी ट्रेड है। 32वीं आ जाती है मैकेनिक ट्रैक्टर, हाँ इससे भी ITI होता है मुझे पता है अच्छी तरह। 33वीं आ जाती है टर्नर। 34वीं आ जाती है वेल्डर। और 35वीं आ जाती है आपके पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। 36वीं आ जाती है फूड बेवरेज। तो इस प्रकार से जो है आपके पास टोटल यहाँ पर 36 ट्रेड्स हो जाती हैं। इन 36 ट्रेड्स में आप जो है CITS कोर्स कर सकते हैं, और इनसे इन ट्रेड से संबंधित कार्य आप इंस्ट्रक्टर बनने के बाद यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद मैं अगली वीडियो आप लोगों के लेकर आ रहा हूँ कि
इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है उसका एक अलग से वीडियो आएगा। इसमें जो फीस लग रहा है वो क्या है उसका एक अलग से वीडियो आएगा। कोर्सेज की सीमा क्या है, कितने साल का ये होता है, उसका एक अलग वीडियो आएगा। कंटिन्यू हमारे जो है CITS के वीडियोज़ अब अपलोड होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो।